इनाफी रसूल, इनके बारे में तो आपने पहले तज़किरा फरमाया, तो फनाफी अल्लाह के बारे में थोड़ा रहनुमाई बना बता दें कि उसमें जब कोई फनाफी अल्लाह हो जाए तो उसके उस पर क्या असरात ज़ाहिर हो जाते हैं फिर। हाँ, फना फिल्ला का मतलब यह है कि जो इंसान के अंदर जो क्वालिटीज सिफतें होती हैं, उन सिफतों पर जो है अल्लाह पाक की सिफात जो है वो गालिब आ जाए। मसलन इंसान के अंदर रहम आ जाए और जो है बेरहमी ख़त्म हो जाए, अदल आ जाए, जुल्म ख़त्म हो जाए, सख्ती ख़त्म हो जाए, नरमी जो है वो आ जाए, माफ़ी देना अल्लाह की सिफत, जो माफ़ी देना अल्लाह की सिफत, एक सितीर वो सितर सतर को पसंद करता है, पर्दे को पसंद, उसमें पर्दा हया आ जाए, अल्लाह की सिफत हया है। तो जब ये बंदे की जो है वो सिफात जो है वो जो कमज़ोरी वाली बशरी वो और शैतानी ये ख़त्म हो के इनकी जगह वो फना हो जाए और अल्लाह की सिफात इसके अंदर नज़र आना, यानी उसका अक्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए और ये बंदा हुजूरी में यानी अल्लाह की याद गफलत में फना हो जाए और हुजूरी जो है वो कायम हो जाए, तो इसको फिर कहते हैं फना फिल्ला।